गाइज, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऑनलाइन सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और खरीदते भी है। बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन। आपको पता होगा कि सारे लोग आजकल इसी दो प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए कि आपकी कोई भी छोटी सी दुकान हो, चाहे वो रेडीमेड की दुकान हो या फिर मिठाइयों की दुकान हो, वट एवर जो भी हो, अगर आप अभी भी सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप एक बार खुद सोचिए आपके ऑडियंस का रिचेज कहाँ तक है। वो लोकल एरिया में ही वो अपने ऑडियंस जो है वही लोग आपकी दुकान पे आके प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैं मान लो अपने यहाँ से हूँ, आपके यहाँ आके कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला हूँ। तो अब आप सोचिए कि अगर आप वो प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचेंगे तो कैसा रहेगा, मैं भी खरीद सकता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में हर वो बातें बताऊँगा, अगर आप कोई भी व्यापार करते, कोई भी बिजनेस करते हैं ऑफलाइन करते हैं तो उसको ऑनलाइन में कैसे कन्वर्ट करें, क्या क्या स्टेप्स है। मुझे पता है कि अगर आप सोचेंगे कि आपको कंप्यूटर नहीं आती है, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती है, आपको डोमेन होस्टिंग ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, फिर हम कैसे करें, तो मैं आपको सबका एक सॉल्यूशन यानी सबका एक अल्टरनेट भी दूंगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हर जगह कुछ ना कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन जरूर है। मैं आपको हर वो स्टेप्स फॉलो करता हूँ और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मजा आ रहा होगा तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। गाइस, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको एक GST सर्टिफिकेट चाहिए अपने इंडिया में बिजनेस करने के लिए। अगर GST सर्टिफिकेट नहीं है, YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं पड़े हुए हैं, आप जाके खुद से देखिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैंने भी खुद से देख के ही रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे भी नहीं आती थी फर्स्ट में। इसके बाद अगर आपको GST सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने नहीं आई तो आप किसी CEO को 500 रुपया से 1000 से 1500 रुपया, अलग अलग CA के अलग अलग फी है, वो देंगे तो आपको GST निकाल के वो सर्टिफिकेट दे देंगे। 3 से 4 दिन के अंदर में GST नंबर आपको मिल जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, एक डोमेन खरीदिए। डोमेन मतलब एक वेबसाइट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। डोमेन जनरली गोडैडी, बिगरॉकल वगैरह से आप खरीद सकते हैं, आप कहीं से भी खरीद लीजिए, मतलब नहीं है। डोमेन आप एक खरीद ले, डोमेन मतलब एक नाम, जिस नाम जैसे facebook.com, yahoo.com, इतना सस्ता .com, google.com या youtube.com, तो ये सारे डोमेन होते हैं, आप डोमेन परचेज कर लीजिए। इसके बाद आपको एक अच्छे होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो सस्ता hosting.com से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मेरी अपनी होस्टिंग है। अगर आप स्टार्टिंग में सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अगर साइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो उसके लिए होस्टिंग नहीं है। डोमेन होस्टिंग खरीदने के बाद आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने पहले वाले सभी वीडियो में कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं, इनफैक्ट कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, सारे स्टेप्स हमने बता दिए हैं। मैं एक बार लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, मुझे याद रहा तो मैं डाल दूंगा, और आप चेक कर लीजिएगा कैसे वेबसाइट को बनाना है, A to Z प्रोसेस। बट अगेन, आपको डोमेन खरीदने नहीं आ रही है, आपको होस्टिंग खरीदने नहीं आ रही है, आपको वेबसाइट बनाने नहीं आ रही है, तो किसी भी वेब डेवलपर को आप पकड़ेंगे तो 5000 से 10000 तक आपको वेबसाइट बना देगा ठीक ठाक। वैसे वेबसाइट हजार लाखों में बनते हैं, करोड़ों में भी बनते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन लाख तक तो बहुत नॉर्मली लोग बना के देते हैं। थोड़ी सी कंपनी का नाम हो गया तो दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन 5000 से 10000 मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। लोग तो यार लाख लाख रुपए लगा के बिजनेस कर रहे हैं और पता नहीं उनका बिजनेस भी फ्लॉप हो जा रहा है, लेकिन आप 5-10000-20000 रुपये का रिस्क थोड़ा बहुत आप तो ले ही सकते हैं। वेबसाइट अगर आपका बन के कंप्लीट हो गया तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सेलेक्शन और दूसरा है मार्केटिंग। मैंने दोनों के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। अब वो ऐसा नहीं कि वेबसाइट बनने के बाद आप कुछ भी प्रोडक्ट लगे बेचने, जो भी आपके घर के अगल बगल में मिल रहा है बेचना नहीं बिकेगा। मुझे पता है, विनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि मार्केट में जो अभी हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वही प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, इसके लिए भी ना 2-3 तरीके हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ भैया ये कैमरा है या फिर ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्ट वॉचेज है, ये चलो भैया 12000 का स्मार्ट वॉच है तो अगर 10000 में मुझे मिल रहा है तो 2000 में प्रॉफिट लेके बेच लूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये स्मार्ट वॉच खरीदने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। जो चीज़ आपको समझ में आ रहा अच्छा है वो चीज़ होता नहीं है, जो ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है ना, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। सो यू नीड टू फर्स्ट इन्वेस्टिगेट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यूर कस्टमर वांट। तो आपको दोनों चीज़ एक बार देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि amazon.com या फिर flipkart.com खोलते हैं, जैसे आपने सर्च किया Xiaomi Amazfit Bip, तो ये स्मार्ट वॉच निकल के सामने है। जैसे Xiaomi Mi Band 3 आप सर्च करते हो तो Mi Band 3 का रिव्यू देखो कितना है, देखो 2500, 4000, 5000 लाखों में लोग रिव्यू दिए हुए हैं। इस स्मार्ट वॉच का रिव्यू देखिए और सारे के सारे रिव्यू जो है 4-5 स्टार के बीच में है, मतलब कि डेफिनेटली वो प्रोडक्ट अच्छा है। अगर रिव्यू 500, 1000, 2000 आ रहा है, मतलब खरीदने वालों की संख्या
आप ऐसे जानते हैं 1000 लोगों में एक लोग कोई रिव्यू करते हैं, हर कोई रिव्यू नहीं करता है। अमेजोन पर रिव्यू का बहुत गेम है, वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट रिव्यू अगर 50 भी आए तो मतलब समझ लो कि वो जो प्रोडक्ट 1000 से 2000 मंथली सेल है। वैसे इसके टूल्स भी आते हैं, जैसे कि जंगल स्काउट है, अमाज ब्लास्ट है, अमाज स्कॉट भी है, बैरल 13, बहुत सारे अमेजोन के टूल्स आते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन प्रोडक्ट अमेजोन पे कितना बिक रहा है, कितने सेलर है, क्या कंपटीशन है। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको उन लोगों के लिए ये चीज़ होता है, बट आप अपनी वेबसाइट के लिए भी इससे फिल्टर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जो अमेजोन से बाहर किए, जैसे अली एक्सप्रेस के साइट पर कितना प्रोडक्ट बिकता है उसके लिए भी लोग वो टूल यूज़ करते हैं। तो आप इनफैक्ट स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट को, सिर्फ 5 या 10 प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए और उस पर ही वर्क कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि 100 प्रोडक्ट होंगे, 500 प्रोडक्ट होंगे तभी आप वेबसाइट स्टार्ट करिए, सिर्फ 5 से 10 प्रोडक्ट पे आप स्टार्ट कीजिए। चलिए अब वेबसाइट कंप्लीट बन गई, 10, 15, 20 प्रोडक्ट जो भी थे आपने फुलफिल कर दिया, मतलब साइट कंप्लीट हो गई। अब साइट पे ट्रैफिक कहाँ से, बिकेंगे कहाँ से प्रोडक्ट, कैसे लोगों को बताएं? देखिए व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं, जितना 100-200 लोगों को है आपको जान पहचान वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। फेसबुक पे 1000, 10000, 1 लाख, 2 लाख के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि 1000-2000 लोगों को भेज दिए तो 2000 में से 500 लोग 600 लोग खरीद लिए, भैया 1000 में से कोई एक लोग ही खरीदने वाला होगा, ये आप चीज़ समझिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केटिंग पे पैसे कभी खर्च करने पड़ेंगे और माइंड भी लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर स्पेशली फॉर ई कॉमर्स, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसी के लिए भी, बट ई कॉमर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा सक्सेस और टारगेटेड ऑडियंस के लिए बेस्ट होता है। आप SMS मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बल्क व्हाट्सअप भी है लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं है। सबसे अच्छा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप ऐड चलाइए और गूगल एडवर्टीजमेंट करवाइए, गूगल एडवर्ट। लेकिन ई कॉमर्स के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम से बेस्ट कुछ नहीं है, गूगल एडवर्ट उतना सक्सेस नहीं है। अब आप फिर कहेंगे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको फिर बोलूँगा उनके लिए अलग से आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं। फ्रीलांसर या फिर fiverr.com पर जाएंगे, $5-10 में आपको जो है एड वैड सेटअप करके कैंपेन ओपन आपके लिए चला सकता है, बट आपको थोड़े पैसे खर्च करने हैं और आपको मॉनिटर करते रहना है। तो स्टार्टिंग में आप खुद से कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी स्टेप्स में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर उस स्टेप्स के लिए, जैसे शिपिंग का मान लो सपोज आपको दिक्कत आ रही है, तो शिपिंग के लिए भैया शिप रॉकेट है और भी कई सारी कंपनियां हैं, तो वो क्या करेगी, मतलब जितने भी कस्टमर को आप जो प्रोडक्ट शिपमेंट करेंगे तो घर से बंदा आपका आएगा, पिक करके ले जाएगा और कस्टमर के घर तक दे जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है एक बार आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे और सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। और मेरे हिसाब से आपको एक बार स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस आप अभी भी कर रहे हैं तो सोचिए, थोड़ा सा ऑडियंस का रीच बढ़ाइए, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाइए अपना और जरूर से जरूर मार्केट में आइए। ऑनलाइन में वेलकम है, आपका भी स्वागत है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।